जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। अच्छा, पुराने लेक्चर में अगर किसी ने पढ़ा हो और कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। चलें, अगर समझ आ गई थी अच्छी बात है। हमारा जो नर्व से रिलेटेड था चैप्टर, वो हमने कंप्लीट कर लिया था दो लेक्चर्स के अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। नर्व से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल वर्क रह गया है आपका, न्यूरल मोबिलिटी या न्यूरल मोबिलाइजेशन। वो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम देखेंगे कि जैसे ही हमें परमिशन मिलती है हम उसको फिर कंडक्ट करा लेंगे। लास्ट टाइम लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था, मुझे भी फील हुआ था कि एक तो वो टाइम में कंप्लीट भी नहीं हो रहा था और मेरे लिए भी जरा बोलना खासा मुश्किल लग रहा था। तो आज हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर पढ़ेंगे ताकि वो कंप्लीट भी हो जाए, अच्छे से समझ भी आ जाए, हम उसको डिस्कस भी कर लें और मेरे लिए भी थोड़ा जो है ना वो रोजे के साथ बोलना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, हम लास्ट टाइम हमने पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स पढ़े थे, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपका स्पाइन से रिलेटेड है। हम आज स्पाइन को डिस्कस करेंगे, उसकी जनरल जो पोस्चर है, स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, मस्कुलर कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक पिक्चर। अगर हम बात करें तो आपके स्पाइन की जो बेसिक पिक्चर है वो पोस्टीरियर व्यू से अगर देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की एक पिक्चर हमारे पास आती है। ठीक है, स्पाइन सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का या स्पाइन कहते ही उस चीज को है जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट हो, क्रूशियल हो और उसके बगैर गुजारा ना हो, उस चीज को असल में हम स्पाइन कहते हैं। किसी भी सिस्टम की जो स्पाइन है वो कोई ऐसी चीज होती है जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज आवर स्पाइन, इसके बगैर हमारा जो है ना वो गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे जो अपर लिम्स हैं और लोअर लिम्स हैं दोनों ये स्पाइन के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा हेड स्पाइन के साथ कनेक्टेड है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बेसिक वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको स्पाइन और रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ठीक है, हम अपनी लाइफ जो है वो प्रॉपर नहीं गुजार सकते। तो इसके जो कुछ सेगमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास एक सर्वाइकल स्पाइन होती है। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं लेकिन डिस्कस करना जरूरी है, रिवाइज हो जाएंगी। एक थोरेसिक सेगमेंट है हमारे पास नेक्स्ट, फिर हमारे पास लंबर स्पाइन आ जाती है, फिर आगे हमारे पास फ्यूज्ड दो सेगमेंट्स हैं जो कि इसको हम एक ही सेगमेंट कंसिडर करते हैं, सेक्रम जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास जो है वो एक और सेगमेंट है जो कि सेक्रम के साथ ही फ्यूज होता है, उसको हम कहते हैं कॉक्सेक। ठीक है, या जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये तो हमारा था पोस्टीरियर व्यू में। पोस्टीरियर व्यू में आपको स्पाइन जो है वो एक रिजिड सीधी सीधी सी एक रॉड की तरह से दिखाई देती है, उसमें जो कर्व्स प्रेजेंट है वो हमें नजर नहीं आती। कर्व्स के लिए हमेशा हमारे पास जो व्यू होना चाहिए वो लैटरल व्यू होना चाहिए। ठीक, लैटरल व्यू, ये जो सेंटर वाली पिक्चर है इसमें आपको लैटरल व्यू नजर आ रहा है जिसमें आपको डिफरेंट जो कर्व्स है वो नजर आ रही होंगी। स्पाइन के अंदर कर्व्स अल्लाह ताला ने क्यों रखी, वो इस वजह से रखी हैं कि जो अगर अगर हम एक सिंपल सीधी सीधी रॉड की बात करें, एक रिजिड रॉड की बात कर लें, उसमें एक्सियल कंप्रेशन को बियर करने की जितनी एबिलिटी है उसको अगर हम कंपेयर करें स्पाइन के साथ जिसमें कर्व्स प्रेजेंट हैं, तो वो जो एक्सियल कंप्रेशन की
बेयर करने की या टॉलरेट करने की एबिलिटी है वो 20 टाइम्स बढ़ जाती है सिर्फ इन कर्व्स की वजह से। तो क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जितने भी काम हैं, जितना भी सब कुछ है, वो हमारे स्पाइन के ऊपर एक्सियल कंप्रेशन अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर हमारे बॉडी वेट है, नीचे से हमारे ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस मिल रही है, तो कंप्रेशन तो आना ही आना है, एक्सियल कंप्रेशन, ऊपर हमारा वेट भी है, हेड है, तो आपको एक्सियल कंप्रेशन को अच्छे से आपकी स्पाइन बेयर कर सके और इसमें वेयर टियर कम हो, इंजरी कम हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने पहले ही इसमें क्या कर दिया, कर्व्स रख दी। और वो कर्व्स बेसिकली किस तरह से जनरेट हुई है, वो एक सेगमेंट जब दूसरे सेगमेंट में चेंज हो रहा होता है, वहां पे आपके शेप में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से कर्व जो है वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रही होती है। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम उसकी बात करें, कर्व्स के ऊपर बाद में आते हैं, सिंपल अगर हम बात करें तो जो हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर है इसमें 33 वर्टिब्राज हैं, ठीक है। ये जो स्पाइन है टोटल 33 वर्टिब्राज से मिलकर बनी हुई है और हर वर्टिब्रा के दरमियान में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, जिसका बेसिक काम ये है कि जो आपका लोड आ रहा है आपके वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको एब्जॉर्ब करे, शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह से, जिस तरह से कुशन के तौर पे काम करे, और आपकी जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा के जो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इवनली हर तरफ जो है वो हर इक्वल पार्ट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसको कर सके। लेकिन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे 33 वर्टिब्राज हैं तो 33 डिस्क नहीं है। एक हमारे पास सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा बनता है वहां पे हमारे पास डिस्क नहीं आती, C0 और 1 के दरमियान में डिस्क नहीं है। फिर हमारे पास जो कुछ फ्यूज्ड हमारे पास वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान भी डिस्क नहीं है। लास्ट डिस्क जो प्रेजेंट होगी वो L5 और S1 के दरमियान में होगी। उससे आगे हमारे पास जितने वर्टिब्राज हैं, 5 सेक्रम के हैं, 4 आपके पास कॉक्सेक के हैं, ये क्योंकि फ्यूज हैं तो इनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होगी। तो टोटल डिस्क हमारे पास उसकी जो नंबर आ जाता है, काउंट आ जाता है, वो है 23। इसके अलावा हमारे पास जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर रिब्स भी प्रेजेंट है, वो 12 पेयर्स हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे आपके पास पेयर्स आ जाएंगे, 12 पेयर्स आ जाएंगे रिब्स के। क्रेनियम है जो कि आपकी स्कल है एट द टॉप, ठीक, और आपका जो सेक्रम है या जो सेक्रो इलियक ज्वाइंट है, क्योंकि वो पेल्विस के साथ जो इलियम के साथ जो बोन बन जो ज्वाइंट बनता है, सेक्रो इलियक ज्वाइंट पेल्विस के लेवल पे, वो आपका बिल्कुल काउडल साइड पे आ जाता है, ठीक है। ये इसकी एक जनरल पिक्चर है स्ट्रक्चर की। अब इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो जो फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स है स्पाइन के, ये तो पहले हमने एनाटॉमिकली पढ़ा उसका स्ट्रक्चर, अब हम फंक्शन के एतबार से देखते हैं कि हमने उसको फंक्शन के एतबार से कैसे डिवाइड किया हुआ है। वो दो है, इंटीरियर पिलर्स और पोस्टीरियर पिलर्स हैं, ठीक। अब इंटीरियर पिलर क्या चीज है, ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है दो वर्टिब्राज का, या इसको हम कहते हैं मोशन सेगमेंट भी बोलते हैं। याद होगा आपको डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि दो वर्टिब्राज उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जितने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उस सॉफ्ट टिश्यूज में आ जाता है, जो जो कुछ जरूरी है वो सारे के सारा स्ट्रक्चर मिलके आपका क्या बनता है, एक मोशन सेगमेंट बनता है। तो ये राइट नाउ आपके सामने ना मोशन सेगमेंट की एक पिक्चर है जिसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर आपको साइड उसकी दिखाई दी है। अब रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइन। इंटीरियर पिलर इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। अब इंटीरियर पिलर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर पिलर जो है वो आपका वर्टिब्रल बॉडी, ये जो आपको आगे व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ये राउंड सा ऑलमोस्ट राउंड, ये आपका वर्टिब्रल बॉडी का पार्ट है। IVD इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क होगी वो, एंड इज हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बिंग कॉम्पोनेंट ऑफ स्पाइन, जो कि डिस्क है वो आपकी शॉक एब्जॉर्प्शन करती है, ये आपके इंटीरियर में आ जाता है, यानी आपके डिस्क और इंटरवर्टिब्रल जो आपकी बॉडीज हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पोस्टीरियर पिलर इज मेड अप ऑफ न्यूरल आर्चेस एंड फेसेट्स व्हिच गिव ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन स्पाइन। ये बहुत प्रिसाइज आपको बता रहा है कि जो पोस्टीरियर साइड पे आपके जितने कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी न्यूरल आर्च है उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, वहां से आपकी स्पाइन की जो है वो जो नर्व्स निकलेंगी, ठीक, और उसके बाद आपके जो है वो फेसेट जॉइंट्स हैं जिन्होंने एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ जो है वो लिंक किया हुआ है, ये आपका पोस्टीरियर पिलर बना देता है, ठीक। दोबारा इसको डिटेल में देख लेते हैं।
Interior pillar made up of vertebral bodies, intervertebral discs, and makes the hydraulic weight bearing shock absorption portion of the spinal column. ठीक, posterior pillar में क्या चीज आ जाएगी? Articular processes. Articular processes में आपको पता है कि हमारे पास facet joints हैं, ठीक है? Facet joints which provide the gliding mechanism for movement. Facet joints basically synovial joints हैं और ये वो joints हैं जहां पे आपकी spine की basic जो movement होनी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी. द ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब वो जो मैं बात कर रही थी आपसे कि आपकी जो कर्व्स हैं स्पाइन की वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में चेंज हो रही होती हैं, वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे जो चेंज हो रहे होते हैं, उसमें एक मेजर जो स्ट्रक्चर चेंज है वो आपके फेसेट ज्वाइंट्स की ओरिएंटेशन है. ये फेसेट ज्वाइंट्स का एंगल क्या बन रहा है आपके वर्टिब्रा की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये चेंज होता रहता है सेगमेंट टू सेगमेंट. ठीक है, हमारे पास सर्वाइकल के अंदर ये 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है. सर्वाइकल फेसेट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 एंगल के ऊपर पड़े हुए होते हैं. ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. थोरैसिक के अंदर ये चेंज हो जाता है, 45 से ये 60 के ऊपर चला जाता है और लंबर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो फेसेट जॉइंट्स की जो एंगल है ओरिएंटेशन का वो बिल्कुल 90 के ऊपर चला जाता है. ये बिल्कुल आपके जो है ना वो पोस्टीरियर साइड पे फेस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये चेंजेस हैं जो कि आपकी कर्व्स को चेंज करने की रीजन बनते हैं. और इसमें एक और जो फैक्टर आ जाता है वो ये कि आपके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट मोशंस होती हैं. हर जो रेंज ऑफ मोशन है हर सेगमेंट की वो फर्क है. उसमें भी एक मेजर पार्ट प्ले करने वाला जो फैक्टर है वो आपके फेसेट जॉइंट्स की ओरिएंटेशन है. कहीं पे इसकी मूवमेंट फर्क है, किसी सेगमेंट में फर्क है, किसी में ज्यादा है, तो ये आपकी जो फेसेट्स की ओरिएंटेशन है ये चीज डिसाइड करती है. इसके अलावा पोस्टीरियर पिलर के अंदर आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी आ जाते हैं. ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वजह से कि एक तो ये आपकी जो है ना वो अटैचमेंट साइट आपको प्रोवाइड करते हैं मसल्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, और जो आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं कैप्सूल वगैरह ये जो कुछ भी आपकी जो अटैचमेंट साइट्स हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली ये आपको एक तरह से जो है ना वो लिवर के तौर पे भी जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके लोड आर्म के ऊपर चेंजेस आते हैं और उससे आपकी मसल्स से लगने वाली जो एफर्ट है उस पर इफेक्ट होता है, वो रिड्यूस होती है, ज्यादा होती है, जो कुछ भी जिस तरह से भी हमें मूवमेंट में रिक्वायर्ड होती है. इसी तरह से एक हमारे पास स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पे आपकी प्रोट्रूजन्स हैं. ये भी बेसिक आपकी क्या है कि मसल्स की जो अटैचमेंट साइट्स हैं वो प्रोवाइड करती और इसके साथ साथ मोशन प्रोड्यूस करने में हेल्प है इनका भी, बिल्कुल इस तरह से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की तरह से, और ये स्पाइनल जो स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करती है हमें. अब जो मूवमेंट्स हैं या जो मोशंस हैं स्पाइनल कॉलम के ऊपर वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, साइड बेंडिंग है इधर साइड राइट और लेफ्ट, रोटेशन है राइट एंड लेफ्ट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर शेयर है. आई होप कि आपको शेयर फोर्सेस जो हैं वो याद होंगी कि शेयर फोर्सेस क्या होती हैं. रिकॉल कर लेते हैं, छोटी सी जल्दी से बात कर लेते हैं. जब आपके पास कोई फोर्सेस मैकेनिकल लोड इस तरह से अप्लाई होता है किसी सेगमेंट के ऊपर कि उसका एक पार्ट, सेगमेंट का एक पार्ट एक डायरेक्शन में जाए और दूसरा पार्ट दूसरी डायरेक्शन में जो है वो ऑपोजिट जो है वो ट्रांसलेट करे, उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं शेयर फोर्सेस. यानी कि एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा. तो हमारे पास स्पाइनल कॉलम के अंदर जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर शेयर, यानी इंटीरियर डायरेक्शन और दूसरी तरफ क्या है पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर शेयर फोर्सेस लग सकती हैं, लैटरल शेयर फोर्सेस हो सकती है. ठीक है, जो राइट और लेफ्ट काइन होंगी. कंप्रेशन इसके ऊपर आता है जो कि अभी हम एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहे थे, और डिस्ट्रेक्शन भी इसके अंदर आपकी मूवमेंट स्पाइनल कॉलम के ऊपर आती है. ठीक, ये आपकी पिक्चर है, डायग्राम है, इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. जो सबसे पहला ए आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है
ये आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको दिखाई दी है, जिसमें आपके एक तरफ है वो कंप्रेशन आ रहा है, जो आप गौर करो तो ये आपकी इंटीरियर साइड पे कंप्रेशन है और पोस्टीरियर साइड पे आपको डिस्ट्रैक्शन नजर आ रही होगी, जिसमें आपको ये स्ट्रेचिंग नजर आ रही है, ये थोड़ा सा दबा हुआ फील हो रहा होगा आपको। तो क्योंकि फ्लेक्शन जो है वो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग पोजिशन है, तो जब फॉरवर्ड हम बेंड करते हैं तो आपका कंप्रेशन जो है वो आपकी इंटीरियर साइड पे आता है, और आपकी जो ओपनिंग है या जो टेंशन आती है वो आपकी पोस्टीरियर साइड पे आती है। ठीक, ये आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट है। अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेंशन में आपके कंप्रेशन आएगा पोस्टीरियर साइड पे, और आपकी जो इंटीरियर साइड्स हैं वो उनमें टेंशन आएगा या वो ओपन अप होंगी। बी पिक्चर जो है वो आपकी है लैटरल फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग, जिसमें आप गौर कीजिए ये आपको साइड व्यू, ये आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इंटीरियर दिखाया हुआ व्यू आपका। अब इसमें एक साइड आपकी, लेट से अगर हम इसको लेफ्ट साइड कह देते हैं, ये हमारी राइट साइड है, तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कंप्रेशन नजर आ रहा है, और ये आपको थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रेच्ड आप पोजीशन नजर आ रही होगी। तो ये आपकी जो लैटरल बेंडिंग है, इट मींस के ये आपकी लेफ्ट साइड पे साइड बेंडिंग हुई भी है, और आपकी राइट साइड जो है वो स्ट्रेच पोजीशन में या टेंशन पोजिशन के अंदर है। फिर हमारे पास सी पोजीशन है, जो कि है रोटेशन। रोटेशन के ऊपर हमारे पास कंप्रेशन या टेंशन जो है वो नहीं आती, क्योंकि ये आपका ओवरऑल आपकी डिस्क के ऊपर इक्वल जो है वो कंप्रेशन रहता है। ठीक, इसमें आपका जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो राइट को या लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ठीक, अच्छा, डी पार्ट के ऊपर आते हैं, जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर शीयर की अगर हम बात करें। अब शीयर क्या है, इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे आप गौर करें कि आपको ये जो टेंशन नजर आ रही है ये आपको डायगनली नजर आ रही होगी, ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही। दैट मींस कि एक वर्टिब्रा जो है वो आगे है, दूसरा वर्टिब्रा पीछे है, तो दरमियान में जो आपकी डिस्क है वो आपकी, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडीज के साथ अटैच होती है, तो इनकी मूवमेंट के साथ इसके ऊपर भी क्या आता है, स्ट्रेच आता है। तो ये डायगनल फोर्स में आ रहा है, यानी कि एक इंटीरियर साइड पे है और दूसरा पोस्टीरियर साइड पे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मैकेनिकल लोड होता है उसको हम शेयर कहते हैं, और ये क्योंकि इंटीरियर और पोस्टीरियर की केस है तो इसको हम इंटीरियर पोस्टीरियर शेयर बोलेंगे। ई के अंदर हमारे पास क्या है, लैटरल शेयर। ठीक, लैटरल के केस के अंदर क्या है कि अब आपका जो वर्टिब्रा है राइट और लेफ्ट साइड से जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, तो ये आपका लैटरल शेयर है, और ये आपका एफ जो लास्ट है, इसमें आप गौर कीजिए कि आपकी डिस्क की हाइट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। वो क्यों, क्योंकि अगर हम एक वर्टिब्रा को पुल कर रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन के अंदर, तो आपकी ये जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके ऊपर क्या आती है, डिस्ट्रैक्शन की फोर्स आती है, और उनके अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा क्रिएट हो रही है उस टाइम पे। ठीक, तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रैक्शन। या अगर हम एक्सियल कंप्रेशन को हम अप्रोक्सीमेट करें अगर दोनों वर्टिब्राज को, तो उस वक्त क्या है कि आपके वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर कंप्रेशन आएगा, और ये जो हम डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन की बात करें थे, ये आपकी सिक्स मूवमेंट की टाइप है जो कि स्पाइनल कॉलम के ऊपर प्रोड्यूस होती है। आई होप कि सारी सी बातें, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे चलने से पहले जरूरी है कि जो बेसिक्स है हम उनको रिपीट कर लेंगे। अच्छा, अब जो हम स्पाइन की कर्व्स की बात कर रहे थे, तो स्पाइन की जो कर्व्स हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी कर्व है और सेकेंडरी कर्व दूसरी आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी कर्व्स वो कर्व्स हैं जो कि बाय बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं कर्व्स, उनको हम प्राइमरी कर्व्स कह रहे हैं। और वो कौन सी कर्व्स हैं, वो हमारी थोरेसिक की कर्व है और सेक्रल कर्व। सेकेंडरी कर्व्स वो हैं जो कि सर्वाइकल और लंबर की हैं, और ये विद टाइम विद एज डेवलप होती हैं एट डिफरेंट एजेस या एट डिफरेंट लेवल, सर्टेन लेवल। क्या कब डेवलप होंगी, जब बेबी की नेक होल्डिंग स्टार्ट होती है, जब उसके मसल्स जो हैं इतने उसके अंदर वो स्टेबलाइज होना शुरू होते हैं, डेवलपमेंट उसकी इस तरह से कंप्लीट होती है कि आपकी नेक के मसल्स आपकी जो नेक है और हेड है उसको स्टेबलाइज करना शुरू करते हैं आपकी थोरेसिक स्पाइन के ऊपर, तो उस टाइम पे आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका कर्व डेवलप होता है, और सर्वाइकल कर्व जो है उसकी जो कर्व की डायरेक्शन है वो कन्वेक्सिटी जो है सर्वाइकल की वो इंटीरियर साइड पे होती है।
ठीक है। इसी तरह से हमारी लंबर स्पाइन है, जो कि लंबर स्पाइन कब डेवलप होगी, जब बेबी ने बैठना या चलना शुरू करना है, क्योंकि उस वक्त आपके बैठने और चलने के लिए डेफिनेटली स्टेबिलिटी की जरूरत है स्पाइन के अंदर। तो मसल्स की डेवलपमेंट इस अंदाज में होगी कि वो आपके स्पाइन को डेवलप करें और उसको जो है वो स्टेबलाइज करें। एट दैट टाइम आपकी लंबर स्पाइन डेवलप होगी और उसका भी कर्व आपका क्या है, कन्वेक्सिटी किस तरफ होती है, इंटीरियर साइड पे होती है। ग्रेविटी का इफेक्ट जो है ना वो पोस्चर के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है। वो कैसे, कि ग्रेविटी प्लेसेस स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी अपराइट एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअल चैलेंज टू स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट मूवमेंट। ग्रेविटी क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स है, कभी भी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड। तो जब तक हम प्लैनेट अर्थ के ऊपर हैं, अगर हम बाहर चले जाते हैं वो एक अलग बात है, जब तक हम यहाँ पे, दैट मीन्स कि हम ग्रेविटी से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। इट मीन्स कि ये एक कॉन्टिन्यूस किस्म की जो है वो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। और अगर इसको काउंटर बैलेंस करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हम क्या होगा, हम ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ ही जो है वो झुके रहेंगे। हम उठ के चलना फिरना और एंटी ग्रेविटी जो वर्क है, इवन जो हमारा पोस्चर है, सीधा खड़े होने की अगर हम बात कर लें, हम वो भी नहीं हो सकते। ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है, ये जो एक आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये बेसिक आपकी क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी है, जो के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में से जो है वो आपके पास करती हुई आपके टुवर्ड्स अर्थ जो है वो जाती है, ठीक है। सेकेंड सेक्रल वर्टिब्रा है, जो कि अगर आप बिल्कुल हम अपराइट पोजीशन और स्टेबल पोजीशन की बात करें, तो वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से ये पास करेगा। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद मूवमेंट चेंज होता रहता है, ये बात याद रखिएगा। अब इन अपराइट पोस्चर द लाइन ऑफ ग्रेविटी ट्रांसेक्ट्स द स्पाइनल कर्व्स व्हिच आर बैलेंस इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड इट इज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी जॉइंट्स। अब ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है उसको हम देख लेते हैं, और उसका क्या इफेक्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंकल जॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है इज इंटीरियर टू द जॉइंट। लाइन ऑफ ग्रेविटी का किसी जहां से वो पास करती है, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी वेट उस जगह एक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, उस पर्टिकुलर जॉइंट का। अगर आपका एंकल जॉइंट के इंटीरियरली पास कर रही है आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी, इट मींस कि आपका जो बॉडी वेट है वो एंकल के इंटीरियर ज्यादा शिफ्ट है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर। आपका बॉडी वेट ज्यादा इंटीरियरली अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटीरियरली अप्लाई हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर या एंकल के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ इस तरह का है कि अगर आपको एंकल को पीछे से कोई फोर्स पुल करने वाली ना हो, तो एंकल जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से क्या है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगा। अब उसको काउंटर करने के लिए फिर हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे मसल्स हैं। किस तरफ के, पोस्टीरियर साइड के। क्यों? क्योंकि एंकल के इंटीरियर ही लाइन पास कर रही है, शिफ्ट हमारा किधर है, इंटीरियर है, फॉरवर्ड की तरफ, तो हमें पीछे से पुल करने वाली कोई चीज चाहिए, ठीक है। पीछे से हमें पुल कौन करेगा, वो हमारे मसल्स हैं। कौन से मसल्स, आपके प्लांटर फ्लेक्सेस, जो प्राइमरली आपका सोलियस मसल है, वो आपको यहाँ पे काउंटर बैलेंस करेगा। सोलियस आपका पोस्चरल मसल है, और पोस्चरल मसल जो है वो आपके किस लिए होते हैं, वो आपके एंटी ग्रेविटी, आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ही बेसिकली बने हुए होते हैं। तो एंकल को आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, वहां पे कौन आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर सोलियस मसल। नी की अगर हम बात करें, तो नी ज्वाइंट में भी आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इंटीरियर टू द नी ज्वाइंट है। अगेन, अगर नी ज्वाइंट को पीछे से कोई चीज पुल करने वाली ना हो, तो इंटीरियरली वेट ज्यादा है, हमारी बॉडी जो है वो नी ज्वाइंट की तरफ से आगे की तरफ झुक जाएगी, बैलेंस हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को बिल्कुल एक प्रॉपर स्टेबल करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें पीछे से खींचने वाली कोई चीज होनी चाहिए, नी जॉइंट को पीछे से पुल करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। अब वो क्या है, वो आपके मसल्स और लिगामेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं,
जिसमें आपका जो इंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. पोस्टीरियर कैप्सूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आपके नी के अंदर जो लॉकिंग मैकेनिज्म आता है उसमें मसल्स के साथ साथ आपके जो है वो पोस्टीरियर कैप्सूल भी इंपॉर्टेंट है. तो पोस्टीरियर कैप्सूल आपको जो है वो स्टेबिलिटी यहाँ पे दे रहा है. टेंशन इन द पोस्टीरियर मसल्स, खास तौर पर कौन से, गैस्ट्रोकनीमियस और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये आपको पीछे से जो है वो पुल करके रखेंगे ताकि आपका जो है वो जो फोर्स आपकी इंटीरियरली ज्यादा प्लेस हो रही है उसको काउंटर बैलेंस कर सके. ठीक है. हिप लाइन, हिप में क्या है, ग्रेविटी लाइन एट द हिप वेरीज विद द स्विंग ऑफ द बॉडी. अगर आप बिल्कुल स्टेबल पोजिशन के अंदर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपकी जो बॉडी वेट है वो आपके दोनों हिप्स के ऊपर इक्वली डिवाइडेड होता है. ठीक है. इक्वली डिवाइडेड होने का मतलब ये है कि अगर मूवमेंट नहीं है तो अगर हम एक थोड़ी टाइम के लिए ये चीज कंसिडर कर लें कि कोई मसल वर्क नहीं है तो तब भी आपकी बॉडी जो है वो स्टेबलाइज होती है क्योंकि यहाँ पे आपके जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स है, कैप्सूल है, ये आपको बड़े अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, लेकिन मसल वर्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है क्योंकि बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपके जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से आपको स्टेबिलाइज कर रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग रिलैक्स स्टैंडिंग द इलियोफेमोरल लिगामेंट प्रोवाइड्स पैसिव स्टेबिलिटी टू द जॉइंट एंड नो मसल टेंशन इज नेसेसरी. ठीक है. बहुत ज्यादा हमें कोई मसल टेंशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे. और रीजन भी ये है कि स्टैंडिंग पोजिशन में आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है हिप के सेंटर में से पास कर रही होती है, तो आपको स्टैंडिंग पोजिशन में एज सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कोई मसल वगैरह जो है वो अच्छे से उसको टेंशन प्रोवाइड करके उसको पुल कर रहा हो. लेकिन क्योंकि ये मेजर जॉइंट है हमारी मूवमेंट के अंदर, तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं हमारी ग्रेविटेशनल लाइन जो है ना वो शिफ्ट होती रहती है, इंटीरियर या पोस्टीरियर डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट. तो जैसे अगर वो शिफ्ट कर रही है इंटीरियरली लाइन, जब कोई हम मूवमेंट करेंगे अगर वो इंटीरियरली शिफ्ट हो रही है ग्रेविटी की लाइन, तो फिर आपके जो है मसल्स, कौन से मसल्स, पोस्टीरियर साइड के मसल्स, आपके पोस्टरल मसल्स, पोस्टीरियर मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स आपके जो कि ग्लूट्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और आपका पोस्चर मेंटेन करेंगे, आपको बैलेंस करेंगे. होपफुली यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि कंफ्यूज कर रही हो. अब ट्रंक के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो द लाइन ऑफ ग्रेविटी इन द ट्रंक गोज थ्रू द बॉडीज ऑफ द लंबर एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द कर्व्स आर बैलेंस. अगेन इसी तरह से कि ये आपकी जो मिड सर्वाइकल से मिड सेक्रल से सेकेंड सेक्रल वर्टिब्रा से गुजरेगी, देन आपके जो है वो ये इंटीरियरली पास करती है, बल्कि मिड से पास करती है थोरेसिक के, और अगेन आपके इंटीरियरली पास करती है सर्वाइकल से. तो इसी तरह से आपके जो पोस्टीरियर मसल्स हैं, जो आपके बैक के एक्सटेंसर मसल्स हैं, पोस्टर मसल्स हैं, ये सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं किस लिए, आपकी बैलेंस करने के लिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी को जो शिफ्ट आगे की तरफ है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए. हेड की अगर हम बात करें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेड है फॉल्स इंटीरियर टू द एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो भी मैं बात करी थी कि सर्वाइकल के सामने से गुजर, इंटीरियर गुजर रही है. तो पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू कीप द हेड बैलेंस. अदरवाइज क्या होगा कि आपका हेड का अपना भी वेट है और वो जो ग्रेविटी उसको पुल करेगी क्योंकि वो इंटीरियरली गुजर रही है लाइन, वेट जो है वो इंटीरियरली है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से आपका सर जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लेक्शन के अंदर रहे. ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस फ्लेक्शन में तो हम रह के काम नहीं कर सकते ना. तो इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो मसल्स हैं वो बेसिक क्या काम करते हैं, जो हमारे पोस्टरल मसल्स हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स. अब ये जो स्टेबिलिटी है हम इतनी देर से बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इंक्रीजिंग द बेस ऑफ सपोर्ट. मसल्स तो ये हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है जो कि बने इसलिए हैं कि इन्होंने हमें काउंटर करना है स्टेबिलिटी के लिए. लेकिन अगर हम खुद से स्टेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करें. ठीक है. क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना आपका अर्थ से करीब होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. या फिर आप क्या करेंगे, जो बेस ऑफ सपोर्ट है आपकी, जो कि आपका कॉन्टेक्ट एरिया है ग्राउंड के साथ, आप उसको बढ़ा दें. जितना कॉन्टेक्ट एरिया, जितनी बेस ऑफ सपोर्ट आपकी ज्यादा होती है उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी बेहतर रहती है.
जितना आपकी, क्योंकि देखो लाइन ऑफ ग्रेविटी, हमारा बैलेंस कब डिस्टर्ब होगा, जब हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर फॉल करेगी। जैसे ही हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी बाहर फॉल करेगी, आपका बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब होगा और आपसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि अब जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बाहर फॉल कर रही है, दैट मींस कि आपका वेट जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर फॉल कर रहा है। बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर फॉल करने का मतलब ये है कि आपकी जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट आपके ऊपर बढ़ गया और आपको वो खींच लेगी, नीचे खींच लेगी, आप गिर जाओगे। तो बेस ऑफ सपोर्ट को ज्यादा करने से फायदा ये है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी को एरिया ज्यादा मिल जाता है स्टेबल रहने के लिए, वो सपोर्ट उसके अंदर फॉल करती रहेगी तो आप स्टेबल रहोगे, जैसे ही बाहर गई आप अनस्टेबल हो जाओगे। बोथ इन, आप इसके लिए क्या चीज है कि बोथ इनर्ट एंड डायनामिक स्ट्रक्चर्स। इनर्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, आपके कैप्सूल्स हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, आपका न्यूरल स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है, ये सारे आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं। डायनामिक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, आपके मसल्स जिन्होंने आपको ड्यूरिंग मूवमेंट सपोर्ट करना है, और इनर्ट स्ट्रक्चर्स वो हैं जो कि आपको पैसिवली सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों का जो है वो इकट्ठा वर्क आपको क्या करता है, ग्रेविटेशनल और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट आपको क्या कर रहा होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। स्पाइनल स्टेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन थ्री टर्म्स या थ्री सब सिस्टम्स, ठीक। पैसिव स्टेबिलिटी होती है, एक्टिव स्टेबिलिटी है, या फिर न्यूरल कंट्रोल है। ये तीन स्ट्रक्चर या तीन सब सिस्टम्स बेटा याद रखिएगा कि ये तीन जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि आप कंसिडर करो कि आपका कोई वो जो स्टूल होता है ना, जो कि तीन लेग्स वाला स्टूल हो, उसको कंसिडर कर लो कि आपकी स्टेबिलिटी जो है ना वो थ्री लेगेड स्टूल है। इसमें से अगर कोई एक लेग भी जो है ना वो ना हो सही, इक्वल ना हो, टूट जाए, वीक हो, तो आपका स्टूल जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता और आप उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। तो वो जो स्टूल है ना, हमारा जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है, वो जो थ्री लेग्स हैं वो बेसिक आते ही सब सिस्टम्स हैं। एक लेग का नाम पैसिव है, पैसिव सब सिस्टम, एक एक्टिव सब सिस्टम है, और एक न्यूरल कंट्रोल सिस्टम है। इनके बगैर आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी, आपके स्टूल की स्टेबिलिटी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अब पैसिव क्या है, पैसिव आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपके लिगामेंट्स भी हैं, बोन्स भी हैं, कैप्सूल भी है, ठीक, ये सारे आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। एक्टिव आपका जो सिस्टम है, सब सिस्टम, वो आपका डायनामिक कंट्रोल दे रहा है, जो कि आपके मसल्स आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन। और जो न्यूरल कंट्रोल है, आपको पता है कि आपका जो सारा का सारा सिग्नल्स का सिस्टम है, ठीक, सेंसरी और मोटर सप्लाई। पंजाबी एक कोई रिसर्चर है, उन्होंने स्पाइन के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, और जो मोस्टली आपको रिसर्चर्स मिलेंगी वो इन्हीं के नाम की मिलेंगी, और ये बुक्स के अंदर भी इनका बड़ा है, ऑथेंटिक किस्म की इनकी रिसर्चेस हैं। तो वो कहते हैं कि जो ROM है, एनी सेगमेंट, जो मोशन सेगमेंट की हम बात करें, वो डिवाइड उन्होंने किया कि इलास्टिक जोन होता है और न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। व्हेन स्पाइनल सेगमेंट्स आर इन द न्यूट्रल जोन, जो कि मिड रेंज है, न्यूट्रल रेंज है, जो इनर्ट्स जो ज्वाइंट कैप्सूल लिगामेंट्स प्रोवाइड मिनिमल पैसिव रेजिस्टेंस टू मोशन एंड देयरफॉर मिनिमल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, जब आप एक न्यूट्रल पोजिशन के अंदर हैं, आप ROM की मिड रेंज के अंदर हैं, जहां पे आपका ज्यादा डायनामिक वर्क भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी है वो भी उतनी ही कम होगी, ठीक। तो आपके जो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनके ऊपर लोड भी उतना ही कम होगा, उनको कम काम उस टाइम पे करना पड़ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे सेगमेंट मूव करता है इन इलास्टिक जोन, यानी वो न्यूट्रल से निकल के अब वो ROM के बाकी जो एरियाज हैं, रेंजेस हैं, उसमें जैसे जैसे जाना शुरू करता है, तो आपके जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, यानी उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उनका काम बढ़ जाता है, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि एक लिगामेंट क्या चीज है, लिगामेंट का बेसिक काम क्या है, कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसने रेजिस्ट करना होता है, और एक लिमिट पर जाके लिगामेंट ने उस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टॉप करना होता है। अदरवाइज अगर जैसे ये प्रॉब्लम भी यही आता है कि जब लिगामेंट टूट जाता है तो वो आपका ज्वाइंट अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको खींचने वाली, उसको रोकने वाली, उसको लिमिट करने वाली चीज खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये कंसिडर कर लो कि एक दरवाजा है, और दरवाजे के साथ जो है वो आपने एक खास लेंथ की जो है ना वो रोप बांधी हुई है, रस्सी बांधी हुई है,
अब होता क्या है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो दरवाजा जो है ना वो बार बार बंद हो रहा है, और आपने उसको बचाने के लिए ना दरवाजा कंप्लीट बंद होने से पहले तक की लेंथ रख के आपने दरवाजे को बांध दिया। अब जितनी दफा हवा चलती है वो उस जब एक लेंथ आ जाती है मैक्सिमम रोप की, रस्सी की, वहां तक वो आएगा, टेंशन उसमें प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद वहां पे दरवाजा रुक जाएगा, वो जाके ठाप बजेगा नहीं जाके, ठीक है, बजेगा नहीं, तो वो एक जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट नहीं होगी। ये जो रोप है ना, ये यहाँ पे बेसिकली ने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे लिगामेंट के तौर पे इसने काम किया, जो हमारे लिगामेंट्स करते हैं, एक खास लिमिट के ऊपर आके मूवमेंट को रोक देना, प्रिवेंट करना, उससे आगे नहीं जाने देना। बट क्या हुआ, आंधी बहुत ज्यादा तेज चल रही है, हवा बहुत तेज है, वो इतना जोर का जो है वो एक झटका इस तरह का लगा कि वो रस्सी टूट गई। रस्सी जैसे ही टूटी है तो दरवाजा जाके बज गया, जिसको हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे। दैट मींस कि जो लिमिट हमने लगाई थी वहां से अब दरवाजा जो है वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया, उसमें क्या आ गई, इंस्टेबिलिटी आ गई, जितनी हम चाह रहे थे उससे बढ़ गई। लिगामेंट में भी यही काम है कि जब लिगामेंट आपके टूट जाते हैं तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन्होंने मूवमेंट को रोकना था, प्रिवेंट करना था, रेजिस्ट करना था, अब वो उसको नहीं कर पा रहे, और आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, आपके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। वो जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी आपकी इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, उतनी आपके इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपका जैसे जैसे सेगमेंट इलास्टिक जोन के अंदर आता है, तो आपके जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनका काम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। इनर्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर अब क्या क्या चीजें हैं, जो पहले हमने डिस्कस की उसके अलावा कुछ और भी है इसमें, फेसेस जॉइंट्स भी आ जाते हैं आपके, रिब्स हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, लिगामेंट्स हैं, थ्रैकोलम्बर फेशिया है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, इनर्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाती है। अब मसल्स क्या है, मसल्स का क्या इन्फ्लुएंस है स्टेबिलिटी के ऊपर, डेफिनेटली आपकी जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होनी है, वो आपके मसल्स ने करानी है। द मसल्स ऑफ द ट्रंक नॉट ओनली एक्ट एज प्राइम मूवर्स और एज एंटागनिस्ट, जो उनका मेन रोल है एंटागनिस्ट या एगनिस्ट, उसके अलावा भी ये जो डायनामिक एक्टिविटीज के दौरान जो आपकी ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है उसको भी काउंटर बैलेंस करते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं, जो बेसिक आपके पोस्चरल मसल्स का वर्क है। पोस्चरल मसल्स ने आपका पोस्चर मेंटेन करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट आपकी जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और आपका जो पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखना है। तो जो ट्रंक के मसल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है ग्लोबल और कोर मसल्स के अंदर, ठीक है। अब ये ग्लोबल क्या है, ये जो मैं अभी पहले बात करी थी ना, थ्री लेगेड स्टूल की बात करी थी, जो कि आपका स्पाइन का सिस्टम है, ये उसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक तरफ एक्टिव सिस्टम, एक तरफ पैसिव सब सिस्टम, और दरम्यान में आपका क्या है, न्यूरल सब सिस्टम। अच्छा, अब ग्लोबल और जो कोर मसल्स हैं उनको, जो हमने कोर यानी डीप मसल्स भी हम इसको कह सकते हैं, तो उसकी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि जो ग्लोबल मसल्स हैं वो बेसिकली कौन से मसल्स हैं, जो कि आपके मोशन और एक्सेस ऑफ मोशन से दूर के मसल्स हैं, सुपरफिशियल मसल्स हैं, दूर दूर वाले मसल्स हैं, प्रोड्यूस मोशन एंड प्रोवाइड लार्ज गाय वायर्स फंक्शन, ठीक है। गाय वायर्स क्या होती हैं, आपने कभी गौर किया होगा कि ये जो आपके यूनिवर्सिटी में भी जब कोई फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें जो टेंट लगते हैं, या इवन शादियों पे लगते हैं वैसे भी, तो उन टेंट्स को वो क्या होते हैं, वो आपके जो बड़े बड़े से बैम्बूज होते हैं उनके थ्रू उसको स्टेबलाइज किया होता है, और उन बैम्बूज को बाहर पीछे की तरफ रस्सियों के साथ जो है ना वो बांधा हुआ होता है, और जमीन के साथ या किसी भी चीज के साथ उन्होंने बांध के रखा होता है। वो जो वायर, वो जो रस्सियां हैं, रोप्स हैं, वो बेसिकली उनको सपोर्ट करके रख रही हैं। जैसे ही आप रस्सी खोलेंगे वो जो बैम्बू है जिसने टेंट को खड़ा किया हुआ है वो गिर जाएगा। तो वो जो रोप्स है ना वो आपकी बेसिकली आपको क्या कर रही होती है, सपोर्ट दे रही होती है। तो बिल्कुल आपके मसल्स भी आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को उसी तरह से गाय वायर्स की तरह से सपोर्ट करते हैं, और ये जो आपके ग्लोबल मसल्स हैं ये लार्ज गाय वायर्स का फंक्शन है इसका। लार्ज आपकी जो सपोर्ट आपको सुपरफिशियली बाहर से फादर अवे, मतलब जो आपका सेंटर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे दूर से आपको जो सपोर्ट दी जा रही होती है। कंप्रेसिव लोडिंग विद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब जो डीप आपके यानी कि जो कोर मसल्स हैं वो क्या है, ये आपके क्लोज होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं वो एक्सिस ऑफ मोशन के, अटैच होते हैं ईच वर्टिब्रल सेगमेंट,
यानी कि हर जो सेगमेंट है उस पे इनकी अटैचमेंट्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ये छोटे छोटे मसल्स हैं, एक एक सेगमेंट के लेंथ जितने मसल्स हैं। कंट्रोल करते हैं सेगमेंटल मोशन को, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक एक सेगमेंट के साथ अटैच है, तो वो उसकी सेगमेंट की मोशन को कंट्रोल करेंगे। और ग्रेटर परसेंटेज इसमें प्रेजेंट होती है टाइप वन मसल फाइबर्स की, क्योंकि टाइप वन मसल फाइबर्स आपको याद होगा कि ये आपके पोस्टरल मसल्स के अंदर होते हैं। पोस्टरल मसल्स वो हैं जिनके अंदर इंड्योरेंस जो है कि एबिलिटी ज्यादा होती है, फटीग को ज्यादा देर तक रेजिस्ट करना, ये उन मसल्स का काम, ये टाइप वन मसल फाइबर्स का काम है। तो ये जो कोर मसल्स हैं उनके अंदर आपके टाइप वन फाइबर्स प्रेजेंट है। अब उसकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है कि लंबर रीजन के अंदर आपके पास कौन से हैं जो ग्लोबल मसल्स हैं, वो रेक्टस एब्डोमिनस है, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम है, रेक्टस स्पाइनी, इल्यूसॉस मसल, आप गौर करो सारे बड़े बड़े मसल्स हैं। ठीक, डीप और कोर के अंदर आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है, जितनी भी आपकी जो साथ में मल्टीफिडस भी, ये बड़ा छोटे छोटे से इसकी अटैचमेंट है मल्टीफिडस की, लेकिन ये दो मसल्स इस तरह के हैं कि आपकी लोअर लिम्स ले लो चाहे आप अपर लिम्स ले लो, इनकी जितनी मूवमेंट्स हैं सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर आता है, आपकी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और मल्टीफिडस के ऊपर आता है। इनकी अगर स्टेबिलिटी है, इनकी प्रॉपर ये बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट आपके हक में फायदा देती है, आपका जो लोड उसने प्रोड्यूस करने हैं उनका इफेक्ट मिनिमम कर देती है, अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा लोड्स आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही होती हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन आपको इंजरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो ये दो मसल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम इसका जो डीप पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम, और डीप रोटेटस सर्वाइकल रीजन के अंदर ग्लोबल में हमारे पास स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड मसल है, स्कैलेनी है, लिवेटस स्कैपुली, अपर ट्रैप और इरेक्टर स्पाइनी, जो कि सर्वाइकल रीजन के अंदर। और इसी तरह से डीप के अंदर आपके पास छोटे मसल्स हैं, ठीक है, जो सेगमेंट टू सेगमेंट अटैच है, रेक्टस कैपिटस इंटीरियर एंड लैटरलिस है, लॉन्गस कोलाई है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड मल्टीफिडस एक्ट एज कोर स्टेबिलाइजर्स ऑफ स्पाइन, और ये दोनों मसल्स जो हैं वो पहले मसल्स हैं जो कि किसी भी पोस्टरल जो डिस्टर्बेंस होती है, पोस्टरल डिस्टर्बेंस नॉर्मल मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं हम, और अगर हम फॉल्टी पोस्चर्स की बात करें या कोई प्रॉब्लम रिलेटेड अगर हम बात करें, तो उसमें भी ये दो मसल सबसे पहले अफेक्ट होने वाले मसल्स हैं। ठीक, और इसमें एब्डोमिनल मसल्स में आपको पता है कि कौन कौन से मसल्स हैं, ये अभी हमने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया। ये एक छोटी सी जो है वो प्रेजेंटेशन है ताकि कहाँ कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, बिल्कुल ये जो स्ट्रेट आपका वर्टिकल प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपके इंटरनल ओब्लीक मसल है, ठीक, और ये आपका बाहर जो है वो इसके ऊपर आ जाता है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है। इनकी डायरेक्शन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। और ये आपको न्यूरोसिस है, ये बड़ा फेशिया है यहाँ का, ये जो मसल आगे अटा, ये जो फेशिया और टेंडन्स जो है ये बनते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ हम लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, इसको हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मसल्स हैं, मसल्स को हमने बड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि सारी की सारी हमारी जो डायनामिक कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, जो स्पाइन का बेसिक वर्क है, वो हमारे मसल्स ने कंट्रोल करना है। ठीक, तो मसल्स को हमने बड़े अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहां तक कोई बात अगर आप लोगों को ना समझ में आई हो तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, कोई सवाल आप लोगों का? इनर्ट स्ट्रक्चर्स का बता दूं, इनर्ट स्ट्रक्चर्स बेटा जो आपको पैसिव स्टेबिलिटी दे रहे हैं वो आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें आपकी बोन्स भी हैं, उसमें आपके लिगामेंट्स भी हैं, उसमें आपके कैप्सूल्स भी हैं, उसमें आपके जॉइंट्स, ये सारी चीजें आपकी इनर्ट स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं, जो कि आपको पैसिवली कंट्रोल कर रही हैं। एक्टिवली आपको मसल्स कंट्रोल करते हैं सिर्फ, बाकी जितने आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं।
थेरा टू बेटा सारा है ही प्रैक्टिकल वर्क, तो प्रैक्टिकल्स तो लाजमी होने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स बिल्कुल होंगे। इलास्टिक जोन आपके सेगमेंट का वो जोन है जहां पे आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगना शुरू हो जाती हैं, जहां पे इनर्ट स्ट्रक्चर्स का काम शुरू हो जाता है, जहां पे उनको रेजिस्ट करना जरूरी हो जाता है सेगमेंट्स को, अदरवाइज अगर वो सेगमेंट को रेजिस्ट ना करें तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आपकी जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एक्टिव साइट्स प्रोड्यूस कर प्रोवाइड करते हैं। आपके लिवर के लिए मैकेनिकल जो एडवांटेज प्रोड्यूस करते हैं, लोड आर्म को इंक्रीज करके डिक्रीज करके, ठीक है, एफर्ट को चेंज करना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस का काम है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था मानूर बेटा? लेक्चर सारे अपलोडेड हैं, लेक्चर्स आप लोगों के सारे अपलोडेड हैं एलएमएस के ऊपर। काइंडली एलएमएस को चेक करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं अब ईमेल के थ्रू नहीं करूंगी, क्योंकि ईमेल पे मैं सेंड करूंगी तो आप लोग एलएमएस को नहीं देखेंगे। एलएमएस चेक करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग्स भी प्रेजेंट है, आपके जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उसके अंदर आपके लिंक्स पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग के, उसे जाके खोल लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस नोट किए थे, बिल्कुल उसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, जो थे वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे। और कोई बेटा सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड? चलें जी, ठीक है बेटा, फिर इसको एंड करते हैं लेक्चर को। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही हमने पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इसको बुक से जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, लेटरल शेयर वाली डायग्राम रिपीट करते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। शेयर बेसिकली हम उस फोर्स को कहते हैं जो कि किसी भी सेगमेंट के ऊपर जब अप्लाई हो रही है तो उसका एक पार्ट एक डायरेक्शन में मूव करे और दूसरा पार्ट दूसरी डायरेक्शन में मूव करे। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो लैटरल शेयर है, इसमें अब क्या केस है कि आपकी एक साइड, लेट से ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड लेट से फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगी, पोस्टीरियर मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका लैटरल साइड्स के ऊपर आपका शेयर है कि एक तरफ से एक डायरेक्शन में, दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे कि ये शेयर है, बट ये क्या है, ये लैटरल डायरेक्शन के अंदर आपका क्या है, शेयर लग रहा है। या आप इसको राइट और लेफ्ट की तरफ से भी कर सकते हो कि अगर एक वर्टिब्रा आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरा वर्टिब्रा जो है वो आपका राइट साइड पे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फोर्स लग रही है, दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ट्रांसलेशन है, दैट मींस कि ये शेयर फोर्स है, और शेयर फोर्स क्योंकि एक राइट को है एक लेफ्ट को है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैटरल शेयर। चलो जी, ठीक हो गया, चलें हम लेक्चर एंड करने लगे हैं बेटा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और फिर हम कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लेंगे। इलास्टिक जोन में बैड पोस्चर हो तो होता है क्या, मतलब मानूर आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, प्लीज। न्यूट्रल जोन बिल्कुल आपका मिड रेंज है, डेफिनेटली बिल्कुल। इलास्टिक जोन आपके जो आरओएम के बाकी के रेंजेस हैं उसके अंदर जो ज्वाइंट की मूवमेंट होनी है उसमें आपके जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो उस वक्त इलास्टिक जोन के अंदर है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, जरूरी है, अदरवाइज नहीं काम चल सकेगा, ठीक है।
चलो बेटा ठीक है, इसको मैं एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।